दोस्तों आप किसी किसी का वीडियो में देखा होगा आपने कि उन लोग मतलब वो लोग लगाते हैं एंड स्क्रीन, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखे होंगे कि लास्ट जैसे उसका वीडियो लास्ट होते जाता है, और उसका लास्ट लास्ट में आता है दो वीडियो और एक अपना चैनल का लोगो, ठीक है। तो किसी किसी कोई कोई लगाता है एक वीडियो या फिर एक चैनल का लोगो, तो उस चीज को आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। एंड स्क्रीन अपने अपने आप आपका वीडियो में भी आप एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हो, तो दोस्तों आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब वीडियो के लिए आप अपने अपना यूट्यूब वीडियो के लिए कैसे उस प्रकार का एंड स्क्रीन, ठीक है। तो बताने वाला हूँ एकदम फुल डिटेल, स्टेप बाय स्टेप आप लोग कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ से क्या करना है, आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। तो और इसको लगाने से आपका फायदा क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आपने बनाया है कि आप मतलब आपने बनाया कि YouTube चैनल क्रिएट कैसे करें, ठीक है। तो आपका वैसे मतलब उस वीडियो में वैसे ही व्यूवर आएंगे जिसको मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है YouTube के बारे में, ठीक है। कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको, पता नहीं कि YouTube में क्रिएट कैसे, YouTube चैनल क्रिएट कैसे करें, YouTube में वीडियो कैसे अपलोड करें, वीडियो एडिट कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो का अंत में लगाते हो कि एंड स्क्रीन में उस भी मतलब कोई वीडियो लगाते हो, और उस भी मतलब वो वीडियो रहेगा कि अपना यूट्यूब चैनल में यूट्यूब वीडियो को अपलोड कैसे करें, ठीक है, वीडियो अपलोड कैसे करें, तो 100% श्योर है दोस्तों कि आपका वो वीडियो वो बंदा मतलब देखेगा, ठीक है। क्योंकि उसको तो यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं है, आपका उस वीडियो में आया है यूट्यूब मतलब यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, ठीक है। तो गारंटी है कि आपका वो मतलब वीडियो देखेगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका पुराना हो गया बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब उस वीडियो में और मतलब व्यूज नहीं आ रहा, तो आप ये इस दशा में उस वीडियो को डाल सकते हो, आपका मतलब व्यूज आ सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है, वीडियो का अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपना YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन लगाने के लिए सिंपली से आपको अपने YouTube चैनल ये अपना फ़ोन का कोरम के ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप मोड में इस मतलब कोरम को YouTube को ऑन कर लेना है डेस्कटॉप मोड में, ठीक है। आपको सर्च करना है YouTube.com और आपको सर्च कर लेना है YouTube.com। उसके बाद सिंपली कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। सिंपली से आप थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख सकते हो अपना चैनल का लोगो है, यहाँ पे एक अपना चैनल का लोगो है, इसमें आपको सिंपली से आपको टच करना है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो लिखा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो आपको टच करना है सिंपली से, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है और वीडियो में आपको टच करना है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा, आपको जिस वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना है आपको उस वीडियो को टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल वाला आइकन आएगा, कुछ इस प्रकार का पेंसिल वाला आइकन, उसमें आपको टच करना है। उसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एंड स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंड स्क्रीन यहाँ पे आपको टच करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का आएगा, आप एक वीडियो लगा सकते हो, एक अपना यूट्यूब चैनल का लोगो और दो वीडियो लगा सकते हो, इस प्रकार का आपको कोई एक चूज कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ले लिया एक लोगो और एक यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ले लिया मैं। अब आपका आपका मन से कोई भी लेना है तो सिंपली से आपको उस वीडियो के ऊपर टच करना है, यहाँ पर देख सकते थर्ड नंबर वाला ऑप्शन में टच करना है। उसके बाद आपको सिंपली से जितना आपका वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल में वीडियो टच करोगे तो आ जाएगा उस वीडियो को, इस वीडियो को आपको लेना है, ठीक है। तो ठीक है, इस पर कर आप सेटिंग कर लेना अपने से, इस पर कर आएगा कुछ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है, तो आपको सेव में आपको टच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका आप सेव हो गया, इस प्रकार आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को कितना आसान तरीका से बता दिया कि आप अपने YouTube वीडियो में किस प्रकार मतलब लगा सकते हो अपने YouTube वीडियो में एंड स्क्रीन।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब कुछ आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया। वीडियो पसंद पर लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।